वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरसीबी की टीम से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप आईपीएल के फैन को पूरा वॉच करिए, मैं आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर आप लोगों ने आरसीबी की रिटेन प्लेयर और रिलीज प्लेयर की लिस्ट देखी होगी, उसके बाद अगर आप लोगों ने उनका मिनी ऑक्शन देखा होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी टीम के पास बिल्कुल भी स्पिनर नहीं है। जी हाँ, स्पिनर की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ये खबरें देखने को मिलें कि आरसीबी टीम देखा राजस्थान रॉयल्स टीम से आर अश्विन को अपनी टीम में ट्रेड करवाती हुई नजर आ सकती है। ये खबर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारा ट्रेंड में देखी होगी। तो इसी बात पे हम बात करने वाले हैं कि कितनी ज्यादा सच निकल के आ रही है, कितनी ज्यादा फेक ये न्यूज निकल के आ रही है, या फिर ये सिर्फ र्यूमर है। देखिए, अगर हम बात करें आर अश्विन की, तो देखिए आर अश्विन ने अच्छा खासा आईपीएल खेला हुआ है, चाहे फिर वो दिल्ली की टीम से हो, चाहे फिर वो पंजाब की हो, राजस्थान की हो, या फिर दिखाए सीएसके की टीम से, मतलब बहुत ज्यादा टीमों से उन्होंने अच्छा खासा आईपीएल खेला हुआ है। अच्छी खासी लो ऑर्डर में बैटिंग भी देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेरे हिसाब से आईपीएल 2022 या फिर 2023 में आप लोगों ने देखा होगा कि टॉप ऑर्डर में भी ये बैटिंग करने के लिए आए थे, नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए भेज रहे आरआर की मैनेजमेंट। तो मेरे हिसाब से अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं। आप लोगों ने ओडीआई में और टेस्ट में उनकी अच्छी खासी बैटिंग भी देखी होगी। तो क्या आरसीबी टीम देखा जाए आर अश्विन को अपनी टीम में ट्रेड करवाना चाहती है या फिर नहीं करवाना चाहती है, या फिर सिर्फ ये फेक न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर हम बात करें, देखिए आप लोगों ने देखा होगा आर अश्विन है ऑफ स्पिनर, वहीं पर अगर हम बात करें आरसीबी की टीम में कितने ऑफ स्पिनर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इनके पास ऑलरेडी देखा जाए ग्लेन मैक्सवेल हैं। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल ऑलरेडी आप लोगों को ऑफ स्पिनर देखने को मिलते हैं। वहीं पर देखा जाए अगर हम बात करें आर अश्विन की, तो देखिए उन्होंने कोई भी ऐसा मैच नहीं जीता हुआ है जो दिखाए राजस्थान बिल्कुल हार चुकी हो, वहां पे उन्होंने बैटिंग करके जितवा दिया हो बिल्कुल, या फिर विकेट लेके बैक टू बैक जितवा दिया हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई उनका इंपैक्ट आप लोगों को आईपीएल में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो दिल्ली कैपिटल से खेलते थे, चाहे वो पंजाब से खेलते थे, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे। मेरे हिसाब से वो टेस्ट के ओडीआई के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब तो देखा जाए ओडीआई फॉर्मेट में भी उनको इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है, टेस्ट के वो अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन टी20 मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं आर अश्विन। तो मेरे हिसाब से टी20 फॉर्मेट के तो प्लेयर नहीं है, और आरसीबी टीम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा कि आरसीबी टीम उन्हें अपनी टीम में शामिल करें, क्योंकि आरसीबी के पास ऑलरेडी ग्लेन मैक्सवेल जैसा ऑफ स्पिनर ऑलरेडी है जो देखा जाए अच्छी खासी ऑफ स्पिनर बॉलिंग करना जानता है। तो मेरे हिसाब से जो भी आप ये खबर सुन रहे हो वो सारी की सारी फेक है, बिल्कुल भी ऐसी न्यूज़ पे आपको बिलीव नहीं करना है। अगर कोई ऑफिशियली न्यूज़ निकल के आएगी तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।